सो गाइस यहाँ पे फाइनली मैंने परचेस कर लिया डिजिटेक का नया रिंग लाइट जो कि 8 GB के साथ में आता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसको फाइनली मैंने परचेस कर लिया अमेज़न से, एंड इसके अलावा मैंने 10 दिन से इसको यूज़ भी कर लिया है। तो मेरे को लगता है भाई अब मैं रिव्यू के लिए तैयार हूँ, बिकॉज मैं लाइट्स का बहुत ज़्यादा फैन हूँ। देख सकते हो पीछे में कितने सारे मल्टीपल लाइट्स हैं, यहाँ पे एक रिंग लाइट है, यहाँ पे एक रिंग लाइट है, ये 18 इंच का रिंग लाइट है, ये 19 इंच का रिंग लाइट है, एंड यहाँ पे फाइनली मैंने यहाँ पे मल्टीपल कलर RGB वाला रिंग लाइट भी परचेस कर लिया है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं नमन की तरफ देख रहे हो टेक इनबॉक्सिंग चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, कर लेना भाई वहाँ पे भी लव प्यार सपोर्ट दिखाता हूँ। एंड इसके अलावा जिन लोगों को नहीं पता मेरा सेकंड चैनल भी है जहाँ पे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप सपोर्ट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको बॉक्स पैकेजिंग यहाँ पे डिजिटल लिखा है, RGB यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे टिपिकल जो पहले वाला बॉक्स था वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे काफी चीज अलग एडेड है। LED रिंग लाइट जो यहाँ पे मॉडल है वो है 18 इंच का DRL 18 इंच RGB लाइट है, और जो लाइट है वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको रिमोट भी मिलता है और नीचे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये 55 वॉट के साथ में आता है, जितना मैक्सिमम रिंग लाइट से वो 55 वॉट के साथ में आता है, ये भी 55 वॉट का है, ये भी 55 वॉट का है। और यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, जैसे आपका जो टेम्परेचर है कोल्ड में आपका 2700 मतलब कैल्विन जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको प्योर व्हाइट लाइट देगा, एंड वार्म में 6500 जाता है, जो कि आपको एक वार्म लाइट देगा। एंड इसके अलावा में RGB इफेक्ट आपको मिलता ही है, एंड 5000 आपको ल्यूमिनेक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स है कि किस किस टाइप के यहाँ पे RGB है वो सारे है। एंड पीछे देख लेते भाई पीछे में आपको क्या मिलता है। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया है कि यहाँ पे कितना LED है, टोटल इसमें 480 LED है, जो 400 LED है वो आपका व्हाइट एंड वार्म में काम आएगा, एंड जिसमें 80 LED है वो आपका RGB का है। तो एक चीज है कि 80 लाइट्स आपको सिर्फ देखने को मिलता है, तो ज्यादा आपको मतलब ब्राइट नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक ब्राइट होगा, एंड RGB इफेक्ट आप उठा सकते हो मजा, ये मैं बोलूंगा। रिमोट कंट्रोल मिलता है, एंड कुछ एक्सेसरीज भी आपको इनबॉक्स मिल जाते हैं। एंड मैंने भाई मस्त तरीके से इसको वापस से पैक कर दिया, तो फटाफट इसको वापस से खोल लेते हैं। एंड एक चीज तो कहना पड़ेगा कि भाई इसका जो बैग है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है ये सारे लाइट्स है। अभी तक मैंने डिजिटेक के काफी सारे लाइट्स मतलब 3-4-5 तरीके के तो मैंने रिंग लाइट सिर्फ अनबॉक्स कर दिए डिफरेंट टाइप के, एंड अभी तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे को ये लाइट में लग रहा है। मुझे ये अमेज़न पे पड़ा 4500 के अप्रॉक्स में ये मिल जाएगा आपको, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करता हूँ, आप वहीं से जाके ले, क्योंकि भाई इसका बहुत सारा मॉडल आता है, अगर आप गलती से भी परचेस कर लोगे अलग मॉडल सेम दिखता है सबका सब तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा मैंने आपको बोला यहाँ पे बैग आपको काफी अच्छा क्वालिटी का मिलता है, मतलब यहाँ पे चेन सिस्टम है, तो फटाफट इसको खोल देते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप इसको हैंग करके कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुल जाता है, और यहाँ पे आपको एक अलग सा पाउच मिलता है, ये भी काफी सही किया डिजिटेक ने। यहाँ पे आपको कुछ एक्सेसरीज मिल जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या एक्सेसरीज इसके अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मोबाइल होल्डर मिलता है, और ये एक डिफरेंट टाइप का मोबाइल होल्डर है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन स्क्रीन में। बेसिकली क्या है कि ये आपको माउंट जो है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपको वहाँ पे ऐसे लगा देना है, ये मैंने ऐसे लगाया, और इसको फिर इसको इस तरीके से टाइट कर देना है, तो ये आपका फ़ोन एकदम सेफ्टी हो जाएगा, नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे ये हो गया, अब जो है आप इसको ऐसे ऐसे जैसे भी आपको करना है, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी का है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा वर्क। एंड इसके अलावा में आपको यहाँ पे बैटरी भी देखने को मिलता है दो, और यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे दो चीज़ एक्चुअली मिलता है। सबसे पहला तो आपको ये एक मिलता है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, डिजिटेक का, अभी 19 इंच वाला भी मैंने परचेस किया था तो उसमें भी सेम ये क्वालिटी मिलता था, एंड ये एक DSLR भी कैपेबल है, अगर आपके पास 50,000 तक का है मतलब कैमरा, तो मस्त आप इसमें कैमरा माउंट कर सकते हो, फोन माउंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मतलब मेरे को अच्छा लगा, ऐसा क्वालिटी है। एंड इसके अलावा ये क्या है ना, डायरेक्ट आपका मतलब कि रिंग लाइट में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है ना, वहाँ पे आप नहीं लगा सकते, तो इसके थ्रू आप लगा सकते हो। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो रिंग लाइट यूज़ किए या फिर देखे होंगे तो उनको मालूम चल रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसको लगाओ और इसको आप कहीं पे अटैच कर सकते हो शू माउंट वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रिमोट मिलता है जहाँ पे मैंने अपना पहले से बैटरी लगा के रखा है। यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल बुक मिलता है जो कि पढ़ने लायक नहीं है, हम नहीं पढ़ते। एंड यहाँ पे आपको एक केबल मिलता है, एंड ये केबल काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी सही अच्छा क्वालिटी का है। तो एक चीज़ तो है, जो भी एक्सेसरीज आपको मिलता है अच्छे क्वालिटीज़ के मिलते हैं, एंड आपको सब बेस्ट मिलते हैं, एंड वैरायटी आपको ज़्यादा मिल रहा है इस बार, सही बात है। सो गाइस ये देख सकते हो फाइनली ये है अपना प्रोडक्ट रिंग लाइट जो कि RGB इफेक्ट के साथ में आता है। सबसे पहले चीज़ वो मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया, जो कर्व यूज़ किया वो इस बार डिफरेंट है। ये थोड़ा सा ना आपका जो शाइनिंग जैसा आया है, एंड पहले जो होते थे वो थोड़े मैट फिनिशिंग टाइप में होते थे, ये थोड़ा शाइनिंग इफेक्ट्स के साथ में आ रहा है। आई होप आप
कैमरा में देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अगर मैं पीछे का तरफ बात करूँ तो आपको फिर वही है, आपको थोड़ा सा गर्म वगैरह निकलने का जगह है। एंड यहाँ पे काफी सारे पोर्ट्स एंड बटन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 3 होल देखने को मिलता है, जहाँ पे मैंने आपको एक सीरीज दिखाया था उसको आप लगा के मोबाइल वगैरह को होल्ड कर सकते हो। एंड दूसरा जो मैंने शू माउंट आपको दिखाया था, शू माउंट लगाना है, फिर ऊपर का जो मैंने आपको दिखाया था उसको लगा के आप यहाँ पे मोबाइल माउंट कर सकते हो। यहाँ पे भी 3 माउंट कर सकते हो, यहाँ पे भी 3 माउंट कर सकते हो, तो टोटल आपका 6 हो गया। यहाँ पे आप ऑन ऑफ नहीं, यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, कोल्ड टू वार्म जा सकते हो। एंड दूसरा आप यहाँ से ब्राइटनेस आप अप एंड डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट लाइट को ऑफ नहीं कर सकते हो। अब पीछे की तरफ में आ जाते हैं। सो पीछे की तरफ में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज कर सकते हो एट अ टाइम। यहाँ पे केबल लगाओ एंड चार्ज भी होना स्टार्ट होगा और स्लो ही चार्ज होगा। एंड यहाँ पे आपको पावर ऑन एंड ऑफ देखने को मिलता है, यहाँ से बेसिकली आप पावर ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक पावर सप्लाई मिलता है। एंड यहाँ पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन यही है, एंड बाकी तो आपको मालूम ही है। अगर आप नॉर्मल लाइट लेते हो तो ये आप 360 घुमा सकते हो। एंड इसका अगर मैं बिल्ड क्वालिटी का बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी सुपर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूं कि ब्राइटनेस वगैरह कैसा है एंड मतलब कितने सारे, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ऑन करना है तो आपका पास जो रिमोट मिलता है उसी से आपको ऑन करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऑन करता हूं तो देख सकते हो ब्लू कलर का लाइट ऑन हो चुका है। अभी फिलहाल करूँ तो RGB हटा के मैं एकदम प्रॉपर व्हाइट लाइट पे आ जाता हूं। ये प्रॉपर व्हाइट लाइट है। अब आप यहां से बेसिकली क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप यहां से ब्राइटनेस को घटा सकते हो, ऑफ नहीं कर सकते हो। अगेन एक चीज अच्छा भी है नहीं भी है। एंड यहां से आप क्या टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, कोल्ड से आप वार्म के तरफ में जा सकते हो। तो ये हो गया, फिर से वापस मैं कोल्ड के तरफ चल जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ, ऑन एंड ऑफ मिलता है, ऑफ करूंगा ऑफ हो जाएगा, ऑन करूंगा ऑन हो जाएगा, RGB, RG एंड B करूंगा तो ये हो जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं करूंगा डायरेक्ट यहाँ पे व्हाइट लाइट में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल कोल्ड एंड वार्म का मिक्सचर जो कलर होता है वो बेसिकली मीडियम कलर आ जाएगा। अगर वापस से मैं इसको क्लिक करूंगा तो फिर ये RGB में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हो ये ऑरेंज कलर जल रहा है। अभी मैं इसको जितना चेंज करूंगा बहुत सारे मल्टीपल लग रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इन काफी सारे ऑप्शन है और इसके अलावा मैं यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक वॉइस लिख के आ रहा होगा, आप देख सकते हो। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे जैसे बोलूंगा ये वैसे वैसे कलर को चेंज करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिस्क्यूज को क्लियर, ठीक है। वापस से अगर ये W को क्लिक करते हो तो व्हाइट, एंड इसको करोगे तो ये वार्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये रिंग लाइट आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको आपका मेहनत का पैसा 4,500 रुपीज ये रिंग लाइट के लिए आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एंड हाँ, इसका जो नीचे का स्टैंड है आपको 600-700 अप्रॉक्स डिजिटेक का ही मिल जाएगा, तो उसको अलग से परचेज करना पड़ता है। 4,500 में आपको सिर्फ रिंग लाइट मिलेगा एंड जो मैंने आपको दिखाया वो सब आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई, इसको मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूं, तो भाई ये प्राइस टू वर्थ है। मतलब अगर आप रिंग लाइट के लिए सोच रहे हो तो आप 18 इंच भी मत लो, आप 19 इंच भी मत लो, आप भाई सीधा का सीधा जाओ 18 इंच का RGB लाइट ले लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, आपको कोई दूसरा रिंग लाइट नहीं लेना है। क्योंकि भाई एक तो आपको जो आपका वार्म कलर है वो भी अब मस्त वार्म है, कोल्ड भी आपका बहुत ज़्यादा वाइट कलर निकाल के देता है, एंड इतने सारे मल्टीपल आपको फीचर्स मिल जाते हैं अलग अलग RGB इफेक्ट्स में, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग निकल के आता है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये एकदम प्राइस टू वर्थ है, एकदम क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। रील्स शूट करना है या फिर आपको वीडियोस बनाना है या फिर आपका मतलब ऐसा लाइट है ना, ये आप घर में खरीद के रखो, आपको कभी तो कभी भाई काम आ ही जाएगा। मतलब कहीं पे भी पोर्टेबल टाइप पे लेके जा सकते हो। एंड ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं, इस रिंग लाइट को मैंने खुद का पैसा से परचेज किया है, तो इसको ऐसा मतलब भाई पेड प्रमोशन नहीं, भाई कोई भी कंपनी मुझे सामान नहीं बेचते, मैं खुद का पैसा से सारा चीज परचेज करके एकदम ऑनेस्ट रिव्यू लेके आता हूँ आप सभी के लिए। अगर कोई वीडियो यहाँ तक पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, एंड मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। मेरा एक सेकंड चैनल है जहां पे मैं बहुत क्रेजी व्लॉग्स लेके आता हूं आप सभी के लिए, प्लीज वहां पे भी जाके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।